नमस्ते। मेरे हाइड्रोपोनिक कोरिएंडर वाले वीडियो में आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि मैं हाइड्रोपोनिक सेटअप में कोई आसानी से मिलने वाला और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करके एक वीडियो करूं। हाइड्रोपोनिक चिकपी वाले वीडियो में कई सारे कमेंट थे कि मैं आपको हाइड्रोपोनिकली पालक ग्रो करना बताओ, और फाइव प्लांटर हाइड्रोपोनिक सेटअप वाले वीडियो में कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि मैं कोई आसानी से बनने वाला हाइड्रोपोनिक सेटअप आपको बताऊं। इस वीडियो में मैं आपके सारे ही रिक्वेस्ट कंसीडर कर रही। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाइड्रोपोनिक सेटअप तैयार करने के लिए मैंने एक ट्रे लिया है और दो पॉलीस्टाइरीन, जिसे थर्मोकोल भी कहते हैं, उसकी सीट ली है। एक सीट 1 इंचेस की है और एक सीट 1/2 इंचेस की है। दोनों को मैं ट्रे के साइज में काट लूँगी। दोनों ही सीट्स काट लिए मैंने। अब जो मेन काम करना है वो इस मोटे वाले सीट पे करना है। इस पे हम प्लांटिंग होल्स बनाएंगे। प्लांटिंग होल्स के लिए मैंने निशान लगा लिए हैं 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का। सारे क्यूब्स काट के निकाल लेंगे और बस प्लांटिंग होल्स तैयार हो जाएगा। अब इस सीट को अटैच कर देंगे हम पतले वाले सीट के साथ। मैं स्टिकी टेप यूज़ करके इसे अटैच कर दे रही। जब स्टिकी टेप एक के ऊपर एक चिपक जाता है ना, तो वो स्ट्रांग हो जाता है, पानी का असर नहीं होता। प्लांटिंग ट्रे तैयार है। अब सारे ही प्लांटिंग होल्स में हम जूट की या ऊनी रस्सी लगा देंगे। इससे हमें शुरुआत के टाइम, जब तक जड़ पानी के अंदर नहीं जाते हैं, तब तक पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये धागा हमें ऐसे लगाना है कि आधा भाग पानी के अंदर चला जाए और आधा भाग प्लांटिंग होल्स में रहे। सारे प्लांटिंग होल्स में हमने रस्सियाँ लगा दी है, और अब जो रस्सियों के लिए हमने एक होल करा था ना, उसके अलावा भी 3-4 होल कर देंगे, जिससे कि कई सारे होल से रूट्स पानी के अंदर जा सकें। अब सारे ही प्लांटिंग होल्स में कोकोपीट भर देते हैं। इस पूरे ही सेटअप का जो मेन काम था, ये प्लांटिंग ट्रे रेडी करना, वो तो हो गया। अब हमें सारी चीज़ों को असेंबल करना है, तो चलिए पहले बीजों को रेडी कर लेते हैं। ये दो सीड्स मैंने लिए हैं। क्या आप पहचान पा रहे हैं कौन कौन से? एक धनिया है, वो तो काफ़ी इजी है पहचानना, और दूसरा पालक है। पालक को तो हम सीधा प्लांटिंग होल्स में लगा देंगे, लेकिन धनिया को लगाने से पहले हमें स्प्लिट करना होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, बस हल्के हाथों से आपको पेसल को घुमाना है। लगभग 70-80% बीज स्प्लिट हो गए हैं, बाकी बीज पूरे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब पूरे हाइड्रोपोनिक सेटअप को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले इस ट्रे में हम पानी भर लेंगे, और इसके ऊपर मैं रख दे रही प्लांटिंग ट्रे। जो थ्रेड्स हमने लगाया है ना, उससे ये कोकोपीट खुद ही मॉइस्ट हो जाएगा, तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं, कोकोपीट को गीला होने देते हैं। कोकोपीट अच्छे तरीके से मॉइस्ट हो चुका है, अब इसमें हम सीड्स को लगा लेंगे। 5 प्लांटिंग होल्स में मैं पालक लगा दे रही, और बाकी में मैं अपना फेवरेट धनिया लगाऊंगी। एक प्लांटिंग होल में मैं 3 से 4 बीज डाल रही हूँ। बीजों को कोकोपीट पर रखने के बाद उससे हल्का सा प्रेस कर दीजिए, जैसे कि वो कोकोपीट के कॉन्टैक्ट में आ जाए, और बस इसी तरीके से धनिया भी लगा लेते हैं। पालक और धनिया दोनों ही हमने लगा लिए। अब हम ऊपर से हल्का सा कोकोपीट डाल देंगे, और बस हमें इंतजार करना है इन सीड्स के जर्मिनेट होने का। ये रहा 6 दिन बाद का अपडेट। पालक के बीज काफी जल्दी जर्मिनेट हो जाते, धनिया को जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए थोड़ा पानी में भी नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए, पालक के रूट्स ग्रो हो गए हैं और पानी में जा चुके हैं। धनिया को थोड़ा टाइम लगेगा। ये रहा 11 दिन बाद का अपडेट। पालक का पौधा अच्छे से ग्रो हो रहा है, धनिया भी जर्मिनेट होने लगा है। क्या आपको धनिया के छोटे छोटे रूट्स दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए, दिख जाएंगे। अभी मैं इसमें बस थोड़ा पानी ऐड करूंगी, जिससे धनिया के छोटे छोटे रूट्स पानी के कांटेक्ट में आ जाए।
बीजों को लगाए हुए 14 दिन हो गए हैं और अब इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। इस बार मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ और ये है सीवीड। सीवीड का बस 2 ml मैंने 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लिया है और इसे वाटर टैंक में भर देंगे। सीवीड काफ़ी आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है, मैं परचेज लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको सीवीड यूज़ नहीं करना है और आपके पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है तो आप वर्मी कंपोस्ट टी बनाकर यूज़ कर लीजिए, उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो करा हुआ है, ज़रूर चेक करिएगा। सारे ही रिलेटेड लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए अभी ये सॉल्यूशन मैं इस वाटर ट्रे में डाल दे रही और मिलती हूँ 1 वीक बाद जब हमें फिर से फर्टिलाइज़र डालना होगा। बीजों को लगाए हुए 21 दिन हो गए हैं, एक बार हमने ऑलरेडी फर्टिलाइज़र डाला हुआ है, बीजों को लगाने के 14 दिन बाद अब 7-7 दिन के इंटरवल पे फर्टिलाइज़र रेगुलरली डालना है। पौधे की ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे, पालक काफ़ी स्पीडली ग्रो हो रहा है, धनिया की ग्रोथ थोड़ी स्लो है। चलिए मैं आपको रूट्स भी दिखाती हूँ कि रूट्स की ग्रोथ कैसी है। आप देख पा रहे हैं पालक के रूट्स काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, काफ़ी लंबे हो गए हैं और धनिया के सारे ही रूट्स पानी में अब जा चुके हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो होने लगे हैं। चलिए अब फर्टिलाइज़र डाल देते हैं जैसे कि ग्रोथ और स्पीड अप हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया सीवीड या फिर वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट टी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 ml फर्टिलाइज़र कम से कम 1 या 2 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए और इस पानी को वाटर ट्रे में भर दीजिए। अगर पूरा फर्टिलाइज़र सॉल्यूशन वाटर ट्रे में नहीं आ रहा है तो पहले का पानी आप थोड़ा ड्रेन आउट कर सकते हैं, इससे फर्टिलाइज़र के साथ फ्रेश पानी भी वाटर ट्रे में चला जाएगा और वाटर ट्रे का जो पानी है उसका अच्छे से एरेशन भी हो जाएगा। ये रहा बीजों को लगाने के 35 दिन बाद का अपडेट। 14वें दिन, 21वें दिन और 28वें दिन हमने फर्टिलाइज़र डाला था, आज फिर से फर्टिलाइज़र डालेंगे और फर्स्ट हार्वेस्ट लेने का भी समय है। पूरे ग्रोइंग प्रोसेस का हार्वेस्टिंग सबसे फन पार्ट होता है ना, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में एक और चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है रूट्स को देखना। ये देखिए रूट्स कितने अच्छे से ग्रो हो रहे, एकदम जड़ों का जंगल बन गया है ना। हार्वेस्ट करने से पहले थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड कर दे रहे और फिर फटाफट हार्वेस्ट ले लेते हैं। फ्रेंड्स, जड़ के पास से एकदम सटाकर मत काटिएगा, बस ऊपर ऊपर से पत्तियाँ काटिएगा, उससे पौधा फिर से ग्रो हो जाता है और आपको 3-4-5 हार्वेस्ट तक मिल जाएंगे आराम से। ये रहा पालक और धनिया, दोनों का ही फर्स्ट हार्वेस्ट। अब इस धनिया के साथ मिलाया जाएगा गार्डन से 2 मिर्च और थोड़े पुदीने के पत्ते और बन जाएगी चटनी। ये रहा अपडेट बीजों के लगाने के 49th डे पर। मैंने 35th को फर्स्ट हार्वेस्ट लिया था, फर्टिलाइज़र डाला था, 42nd को भी मैंने हार्वेस्ट लिया और फर्टिलाइज़र डाला, आज 49th है। अभी फिर से फर्टिलाइज़र डालना है, हार्वेस्ट लेना है और ये हार्वेस्ट काफ़ी ही बड़ा होगा। अभी भी थोड़ा केयरफुली काटेंगे क्योंकि इसके बाद भी हमें 3-4 हार्वेस्ट आराम से मिल जाएंगे। तीसरा हार्वेस्ट हमने ले लिया है, अब इसे वापस ग्रो होने देंगे 3-4 और हार्वेस्ट के लिए। फ्रेंड्स, हाइड्रोपोनिक्स काफ़ी सिंपल है, इवन ये सेटअप भी आपको काफ़ी आसान लगा होगा, आशा करती हूँ आप इसे ज़रूर रेप्लिकेट करेंगे और अगर करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति इज गार्डन, साइनिंग ऑफ।